हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 ओपन वर्ल्ड गेम्स ऑन एंड्रॉइड। एंड आज का ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट। तो आज हमारे साथ है टेक्नो सर्फेस यूट्यूब चैनल से आर्यन भाई। तो आर्यन भाई, वेलकम टू क्लासिफाइड गेम्स, एंड बहुत अच्छा लगा आप क्लासिफाइड गेम्स पे आए। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं थैंक करना चाहूंगा क्लासिफाइड गेम्स का, जिन्होंने मुझे इस वीडियो में आने का मौका दिया। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसे ओपन वर्ल्ड गेम्स लेकर के आए हैं जिनकी ग्राफिक्स बेहतरीन होने के साथ साथ गेम प्ले एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। सो गाइस, अगर आपने अभी तक क्लासिफाइड गेम्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन आता है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि आपको गेमिंग रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो विदाउट एनी मोर टाइम वेस्टिंग, लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग वीडियो। सो गाइस, हमारी लिस्ट का जो लास्ट गेम निकल के आता है उसका नाम है मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आप मार्वल की सीरीज के फैन हैं और आपने इस सीरीज को देखा हुआ है, मतलब कि इनकी मूवीज को देखा हुआ है, तो आपको ये गेम डेफिनेटली 100% पसंद आने वाला है। क्योंकि गाइस, गेम में कोई भी स्पॉइलर नहीं है। गेम की ग्राफिक्स अच्छी होने के साथ साथ गेम प्ले एक्सपीरियंस, कॉम्बैट, सब कुछ ओपी लेवल का है। और आपको जो भी आपका फेवरेट सुपर हीरो है उसकी तरफ से फाइटिंग करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। सो गाइस, इफ यू आर अ मार्वल फैन, सो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर इंस्टॉल के बटन दबा दीजिए और इस गेम को जरूर ही प्ले कीजिए। बट गाइस, गेम का साइज थोड़ा सा ज्यादा है, 1.6 GB है गेम का साइज। बट गाइस, गेम की ग्राफिक्स और शेडर्स को देखते हुए आपको गेम को डेफिनेटली डाउनलोड करना चाहिए। और गाइस, मैं मार्वल का बहुत बड़ा फैन हूँ, हो सकता है इसीलिए मैं आपको ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूँ डाउनलोड के लिए। बट गाइस, अगर आप इस गेम के गेम प्ले देख लेते हैं तो आपको खुद ही गेम को डाउनलोड करके प्ले करने का मन करेगा। सो गाइस, लिस्ट में नंबर 4th पे गेम आता है, उसका नाम है गैंगस्टर न्यूयॉर्क। इस गेम की बात करें तो काफी बढ़िया ओपन वर्ल्ड आरपीजी गेम आपको देखने को मिल जाता है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है। वैसे ये गेम अभी रिलीज नहीं हुआ है, अभी ये रिलीज होना बाकी है। तो इस गेम में भी आपको सिमिलर GTA जैसे फीचर्स देखने मिल जाएंगे, जैसे कि आप एक गैंगस्टर होते हो एंड आपको स्टोरी लाइन मिशंस को कंप्लीट करना होता है, एंड आप सिटी में कहीं पे भी ऐसे ही घूम सकते हो, चलते फिरते सिविलियंस को मार सकते हो। तो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं कि ये गेम कब तक रिलीज़ होगा। एंड इसमें आपको मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिल जाता है जिसमें कि आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। तो गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखते हैं कब तक रिलीज़ होता है। सो गाइस, हमारे लिस्ट के 3rd नंबर के गेम का नाम है रस एंड डॉन। दोस्तों, इस गेम में आपको बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाती है। और गाइस, गेम का साइज होने वाला है अराउंड 272 MB। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहले से आ चुके हो तो आपको इस गेम के बारे में डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि गाइस ये गेम रीमेक है वॉच डॉग्स 2 का, जो एक बहुत ही पॉपुलर ओपन वर्ल्ड PC गेम है। दोस्तों, इस गेम में आपको बहुत सारे पार्क और मिशन देखने के लिए मिल जाते हैं। और गाइस, इस गेम को डेवलप किया है आर यूजर्स गेम्स ने, जिन्होंने GTA 5 का फैन मेड प्रोलॉग मिशन भी डेवलप किया था जिसे हमने बहुत ही ज्यादा प्यार किया था। सो गाइस, इस गेम की रेटिंग होने वाली है 4.2 स्टार प्ले स्टोर पर। सो गाइस, जाइए इस गेम को डाउनलोड कीजिए और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस, लिस्ट में नंबर 2 पे गेम आता है, उसका नाम है ARK सर्वाइवल इवॉल्व्ड। इस गेम की बात करें तो 2.4 GB का ये गेम आपको देखने मिलता है। तो ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जिसमें कि आपको एक बड़े से ओपन वर्ल्ड आइलैंड पे छोड़ दिया जाता है जहां पर आपको सर्वाइव करना होता है। एंड इस आइलैंड की खास बात ये है कि यहां पर आपको डायनासोर्स देखने मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गेम में आपको 80 से ज़्यादा डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डायनासोर्स देखने मिल जाती है, जो कि इस गेम को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। इस गेम के 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं एंड 4.3 की रेटिंग आपको देखने मिल जाएगी प्ले स्टोर पे। ओवरऑल गेम काफी बढ़िया है। तो बेसिकली आपको सर्वाइव करना होता है, आपको काफी सारी रिसोर्सेस को कलेक्ट करके एक शेल्टर बनाना होता है, एंड आपको फूड वगैरह को भी ढूंढना पड़ता है। ओवरऑल गेम बढ़िया है, एंड इसमें आप मल्टीप्लेयर मोड भी खेल सकते हो जिसमें कि आपको बहुत सारे मल्टीप्लेयर देखने को मिल जाएंगे, एंड आप अपने दोस्तों के साथ भी गेम को एंजॉय कर सकते हो। तो काफी बढ़िया ओपन वर्ल्ड गेम है, इसको भी एक बार चेकआउट जरूर करना। सो गाइस, हमारे लिस्ट का जो 1st नंबर का गेम निकल के आता है उसका नाम है जेंशिन इंपैक्ट। दोस्तों, ये गेम पहले PC पर लॉन्च हो चुका है और अब इसे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए भी लॉन्च कर दिया गया है। इस गेम को जो साइज है वो है 6.7 GB, इतना बड़ा साइज है इस गेम का। अगर आप किसी का वाईफाई पाते हैं और इस गेम को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी मल्टीप्लेयर खेल सकते हैं। और इसके साथ साथ गाइस, आपको इस गेम में बहुत कुछ करने की आजादी होती है और इसीलिए इस गेम में RPG स्टाइल की फाइटिंग को भी डाला गया है। और गाइस, आप इस गेम को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, गेम की ग्राफिक्स और विजुअल्स बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। सो गाइस,
गेम को डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि गेम आपको कैसा लगा। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड फिर से थैंक यू सो मच आर्यन भाई, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप क्लासिफाइड गेम्स पे आए। तो इनके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इनके चैनल पे भी जाओ, काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, तो इनको भी सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो। तो बस मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।